हाय फिन, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है, और आज हम यहाँ पे कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो हम मेरे पास एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, एंड आज इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MCQ की। ये सेक्शन बी है हमारा, एंड सेक्शन बी में सारे क्या है, MCQ एंड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हम MCQ के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी, जो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज MCQ वाले टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी 60-70+ क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर रखा है। ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस हो चुका है। ऑपरेशनल कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इंटू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये भी मैंने आपको बता रखा है। ये क्लासिफिकेशन वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स पर यूनिट, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। प्राइम कॉस्ट प्लस, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखो कि यहाँ के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके कुछ भी आपको आउट ऑफ नहीं लगेंगे, आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चन डिस्कस मिलेंगे। देखो प्राइम प्लस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड का बनता है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बोल रहे हो आप इसको, बट एग्जाम में आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट लगाना। ये दोनों आंसर इन्होंने दे दिया, आप फैक्ट्री कॉस्ट मार्क करना। फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट। ये भी एक्सक्लूड हुआ था, ये भी तीनों में से कोई इंक्लूड नहीं होता, यानी क्या आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या है हमारा, प्राइमरी कॉस्ट, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको ऑलरेडी डिस्कस मिलेंगे। ये क्वेश्चन सेम आपका एज इट इज स्टडी मैट्स उठाया गया है, बस अमाउंट चेंज किया गया। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग क्या करोगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। मैं बस अमाउंट लिखता हूँ, मैं जोड़ूंगा नहीं। 80,000 प्लस 60,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ओके, तो ये मेरे पास प्राइम कॉस्ट हो गया 1,40,000। 1,40,000 में ऐड कर देंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड, हमारे पास कितना है 90,000। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपनिंग WIP हमें दे रखा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें दे रखा है, एंड क्लोजिंग WIP दे रखा है, दोनों दे रखा है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों दे रखा है हमें। तो यहाँ पे आप ओपनिंग को ऐड कर लो, क्लोजिंग को माइनस कर लो, एंड यहाँ पे एक चीज और भी माइनस होगा, सेल ऑफ स्क्रैप 2200 का, ये भी आपका माइनस हो जाएगा और देन आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है काफी डिटेल में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस है, ये भी क्वेश्चन आपका डिस्कस है, सेम क्वेश्चन उन्होंने मतलब कुछ चेंजेज नहीं कर रखा है। हो सकता है बस अमाउंट का डिफरेंस हो, बिकॉज मेरे को अमाउंट याद नहीं है कि आपके स्टडी मेट में क्या अमाउंट है। फिर पे ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, सो मेटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट। अब देखो मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास ओपनिंग डाटा दे रखा है और ये हमारे पास क्लोजिंग डाटा दे रखा है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कहाँ जाएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम में, परचेजेस दे रखा है हमें। तो आप किस तरीके से कॉस्ट बनाओगे, यहाँ पे स्पेस है मैं आपको बना देता हूँ। देखो डायरेक्ट मटेरियल हमारा आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक है 60,000 प्लस हमने जो परचेजेज कितने के किए हैं, 10 लाख का हमने परचेजेज किया, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास रॉ मटेरियल का 50,000, ये हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया। इसका बेजेज आ जाएगा यहाँ पे, बेजेज कितने का आ जाएगा, 6 लाख का आपके पास बेजेज आ गया। और इसके अलावा आपके पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, क्वेश्चन में हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 3 लाख, ये 3 लाख हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, लाइक ऐड करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ओपनिंग WIP और फिर माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग WIP। ये सब कुछ करवाया हुआ है आपको, ओपनिंग WIP क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है ओपनिंग 24,000, ओपनिंग WIP है एंड क्लोजिंग WIP 30,000, इसको आप एडजस्ट कर लो, ये आएगा आपके पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आप इसमें ऐड कर दोगे एडमिन का, एडमिन ओवरहेड क्वेश्चन में दे रखा है,
50,000, इसमें आप 50,000 ऐड कर दो, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दो। अब हमारे पास स्पेस नहीं बचा, कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितने हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 30,000, 30,000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, एंड कॉस्ट ऑफ सेल आ गया हमारे पास, उसमें आप ऐड कर दोगे प्रॉफिट, तो आपके पास क्या आ जाएगा सेल। वेल आप कर सकते हो, मेरे पास कैलकुलेटर भी है, मैं करवा ही दूंगा। 60,000 प्लस 10 लाख माइनस 50,000, ये 10 लाख 10,000 हो गया, प्लस 6 लाख हो गया आपका 16 लाख 10,000, प्लस 3 लाख तो 19 लाख 10,000, प्लस 24 19 लाख 10,000, 19 लाख 10,000 प्लस 24,000 और माइनस 30,000 19 लाख 4,000 प्लस 50,000 19 लाख 54,000 प्लस 30,000 19 लाख 84,000। और फिर सेल्स हमें कितना का दे रखा है, 25 लाख का, माइनस माइनस 25 लाख, 5 लाख 16,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, सारे एमसीक्यू डिस्कस कर दिए, तो ये हमारा एक स्कैनर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट स्कैनर्स के क्वेश्चंस देखेंगे।